हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है BMW G310 GS के ऊपर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कब तक इस बाइक का लॉन्च डेट आपको देखने को मिल सकता है, फिर क्या क्या नए चेंजेस इस बाइक में आए हैं इन कंपेयर टू BS4 जनरेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फाइनली अगर मैं लॉन्च डेट की बात करूँ तो इस बाइक का लॉन्च डेट आपको सितंबर 2020 तक देखने को मिल सकता है। सो फाइनली अगर मैं इस बाइक के प्राइस की बात करूँ तो BS4 का प्राइस बहुत ही ज़्यादा, ये बाइक मैं कहना चाहूँगा ओवर प्राइस थी, और इस वजह से ये बाइक की इतनी ज़्यादा सेल्स इंडिया में नहीं हुई और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस बाइक को नहीं मिला इंडिया में। सो अब BMW सोच रहा है इस बाइक में नियरली आपको 75,000 रुपीज़ का प्राइस कट देखने को मिल सकता है BS6 वाले मॉडल पे। सो अगर आपको ये बाइक लेनी है तो मैं आपको कहूँगा आप थोड़ा रुक जाइए, आप सितंबर में ये बाइक ले सकते हैं, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छा 75,000 रुपीज़ का प्राइस कट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सो पहले हमेशा ये होता था BS4 वाले वर्जन में कि इस बाइक की जो सेल्स रिपोर्ट है वो हमेशा डाउन रहती थी, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है हिमालयन 400 को प्रेफर करते थे ओवर BMW G310 GS के ऊपर, और इवन जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे है। नियरली 10,000 रुपीज़ आपको एक सर्विस के लिए पे करने पड़ते हैं, जो कि ऑन द हायर साइड है, और उसी में आपको हिमालयन में नियरली 2,500 या फिर 3,000 रुपये में एक सर्विस हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप है। अगर मैं मेनली चेंजेस की बात करूँ तो ऐसा डिज़ाइन में आपको चेंजेस देखने को इतने नहीं मिलेंगे, आपको सेम ही बाइक देखने को मिलेगी एज BS4 वाली। लेकिन BS4 में आपको इसमें हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलती थी, लेकिन BS6 अपडेट में इसमें आपको LED लाइट देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी प्रोमिनेंट लाइट स्प्रेड आपको देगी। और इस वीडियो में मैं दूसरी बाइक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो है G310R, उसमें भी सेम यही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो दो वीडियो एक सेम बाइक पे बनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, इस वजह से आप समझ लेना उस बाइक में भी मोर और लेस इतने ही चेंजेस देखने को मिलेंगे जितने आपको GS में देखने को मिलेंगे। सो फाइनली अगर मैं और चेंजेस की बात करूँ तो इस बार BMW क्लेम कर रहा है कि अब जो BS6 वाली बाइक आएंगी वो और ज़्यादा वाइब्रेशन उनमें कम हो चुकी होगी और वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड और स्मूदर होगी इन कंपेयर टू BS4 जनरेशन। सो यस, BS4 जनरेशन में थोड़ी कंप्लेन थी कि उस बाइक में थोड़ी वाइब्रेशन आती थी, क्योंकि जो उस बाइक की फेयरिंग थी वो प्लास्टिक की थी और इस वजह से उसमें बहुत ही एक इरीटेटिंग साउंड आता था। लेकिन अब BMW कह रहा है कि वो सब प्रॉब्लम इस बार BS6 अपडेट में सॉर्ट हो चुकी है और आपको बहुत ही ज़्यादा एक स्मूथ और रिफाइंड बाइक देखने को मिलेगी। सो अगर मैं और चेंजेस की बात करूं तो इसमें आपको एक एडिशन स्लिपर क्लच भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि आप फास्टर डाउनशिफ्ट कर सकते हैं और आपका जो रियर व्हील है वो बिल्कुल भी लॉक नहीं होगा और हॉप नहीं होगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है और नियरली एक एक्सपेंसिव बाइक में होना चाहिए, मस्ट फीचर है आज की तारीख में। फाइनली अगर मैं इंजन की बात करूँ तो पावरिंग द BMW 310 GS इज द ओनली 312 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड मोटर विच प्रोड्यूसेज अराउंड 34 BHP ऑफ पावर एट 9,700 RPM एंड 28 Nm ऑफ टॉर्क at 7,700 RPM and this comes mated to a 6-speed gearbox। सो अगर मैं पावर एंड टॉर्क फिगर की बात करूँ तो वो आपको ऑल एंड ऑल सेम ही देखने को मिलेगा, बस आपको थोड़ी बहुत पावर डाउन देखने को मिल सकती है, लेकिन टॉर्क आपको ऑल एंड ऑल सेम ही देखने को मिलेगा इस BS4 जनरेशन वाली बाइक जैसा ही। सो अगर आपको पहले ये बाइक बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगती थी तो मैं कहूँगा अब जो BS6 वाली अपडेट वाली बाइक आ रही है वो काफ़ी अच्छी है, और इवन 75,000 रुपीज़ का उसमें प्राइस कट भी आपको देखने को मिलेगा। सो जैसे कि आपने देखा ही होगा, जो भी BS6 में बाइक अपडेट हो रही है उसका प्राइस हमेशा हाई की हो रहा है, कभी कम नहीं हो रहा। सो ये फर्स्ट बाइक है जिसका प्राइस नियरली 75,000 रुपीज़ डिक्रीज़ हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोपोजिशन आपके लिए हो सकता है। और अगर आप एक टूरिंग के लिए बाइक ढूंढ रहे हो तो मैं कहना चाहूँगा ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और इवन जो इसका अब इंजन भी है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। सो बस जो एक डाउनसाइड मुझे इस बाइक का लगता है वो है जो इसकी सर्विस कॉस्ट है। हम जैसे तैसे बाइक तो ले लेते हैं अपने पैसे जोड़ के, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है वो है उस बाइक को मेंटेन करने की और सर्विसिंग कराने की। इस बाइक की जो सर्विस कॉस्ट है वो अंदर एक्सपेंसिव साइड पे है, तो वो एक मुझे डाउनसाइड इस बाइक का लगता है। और एक और जो डाउनसाइड है इस बाइक का वो है इस बाइक का जो आउटलेट्स हैं या फिर जो शोरूम्स हैं इस बाइक के, वो ज़्यादातर आपको बड़ी सिटीज़ में देखने को मिलेगी। अगर आप एक छोटी सिटी में रहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको कहना चाहूँगा BMW का शोरूम आपकी सिटी में नहीं होगा, तो ये एक और दिक्कत है कि बाइक आप दूसरी सिटी से ला तो सकते हो लेकिन आपको सर्विस कराने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, तो ये एक और डाउनसाइड मुझे इस बाइक का लगता है। ऑल एंड ऑल बाइक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी टूरिंग कैपेबिलिटीज़ है आप इस बाइक में, तो मैं डेफिनेटली इस बाइक को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं रियल वर्ल्ड की बात आपको बता रहा हूँ। सो बस यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज रेव हार्ड रेव फ्री। बाय।